टेकी प्रणय चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट प्रणय। और इस वीडियो में मैं आप सबके साथ वीडियो एडिटिंग के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं। और मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि वीडियो एडिटिंग आज एक बहुत ही कॉमन बात हो चुकी है और आप यूट्यूब में वीडियो पोस्ट करें प्रोफेशनली या फिर फेसबुक या फिर ट्विटर में कुछ नॉर्मल व्लॉग्स पोस्ट करना चाहते हैं या फिर कोई भी बेसिक वीडियो एडिटिंग आप करना चाहते हो उसके लिए आपको वीडियो एडिटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है आपके वीडियोस को प्रीमियम दिखाने के लिए। तो आज मैं मोबाइल पे मतलब कि एंड्रॉयड पे कुछ बेसिक और कुछ जो होते हैं कि प्रोफेशनल टाइप के वीडियो एडिटर्स के बारे में बोलना चाहता हूँ कि आप कौन से वो वीडियो एडिटिंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं तो आप सबको पहले ये बताना चाहूँगा कि लोग तो जब वीडियो एडिटिंग टूल्स के बारे में अपना सुझाव देते हैं तो बहुत सारे वीडियो एडिटर्स के बारे में आप सबको बोलते होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में मेरे लिस्ट में भी बहुत सारे वीडियो एडिटर्स कलेक्ट हुए होंगे, लेकिन एक्चुअली हुए थे, लेकिन मैं फिर भी इतने सारे वीडियो एडिटर्स के नाम बोल के आप सबको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने टॉप टू जो मेरे पास बेस्ट मुझे लगे है वो ही मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा और आप सबको बोलूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने अगर सारे वीडियो जिसके नाम बोल दिए तो आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे और अच्छा वाला पिक नहीं कर पाएंगे, तो मैं बस दो ही आपको बोलूँगा। तो चलिए बोलते हैं। तो नंबर वन पे मेरा जो वीडियो एडिटर है वो है फिल्मोरागो वीडियो एडिटर और मैं आपको इसकी फीचर्स भी दिखा देता हूँ। तो गाइस इस फिल्मोरा ऐप में आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो होंगे वीडियो, आप इसमें वीडियो फ़ोटो ऐड कर सकते हैं और वो वीडियो फ़ोटो फेसबुक से भी हो सकते हैं, मतलब कि कोई भी आपके जो फोल्डर है लोकल फोल्डर उसमें से आप ऐड कर सकते हैं। तो आप मैं काम करता हूँ यहाँ से कुछ जो मैंने पिक्चर्स क्लिक किए हैं वो ऐड कर लेता हूँ और मैं कुछ वीडियो भी ऐड कर लेता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे सेव करके रखे हुए हैं। तो मैं एक कोई भी एक वीडियो ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रुकिए वो वीडियो ऐड नहीं हुई, तो मैं जल्दी से उसको ऐड यहाँ पे जो है ये कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो फ़ोटो आप सब कुछ ऐड कर सकते हो और यहाँ पे आप इस वीडियो को थीम दे सकते हैं, कोई भी एक थीम दे सकते हैं जो कि है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको म्यूज़िक मिलता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक, ट्रांजिशन, रेशियो, क्रॉप, आप इस वीडियो की जो क्रॉप कर सकते हैं। और एडिटिंग टूल्स में आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ड्यूरेशन, जो आप इस वीडियो की ड्यूरेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वीडियो क्रॉप कर सकते हैं, इस पर सबटाइटल ऐड कर सकते हैं, मतलब वीडियो के बीच में अगर आप कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो उसको आप ऐड कर सकते हैं और कहाँ से कहाँ तक ये टेक्स्ट आपको डिस्प्ले होगी वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। PIP मतलब कि यहाँ पे आप वीडियो के ऊपर कोई और फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें कोई वीडियो ऐड नहीं कर सकते, वीडियो के ऊपर कोई फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। वॉइस ओवर आप एक्स्ट्रा वॉइस ऐड कर सकते हैं, फिल्टर है, ओवरलेज एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं आपको ऐड करने के लिए, इसमें प्रीसेट एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्स यहाँ पे दिखाई देंगी तो ये आपके वीडियो में शो होंगी, टाइटल्स आप ऐड कर सकते हैं और वीडियो को कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये रही इसकी इंटरनल कुछ स्पेसिफिकेशंस और यहाँ पे आपको ट्रांजिशन भी मिल जाएगी, मतलब कि एक वीडियो से जब दूसरे वीडियोस में आप जो ये ट्रांसफ़र होगी तब कौन सी इफ़ेक्ट दिखाई देगी। तो इस मुझे लगता है कि ये जो वीडियो एडिटर है वो एक खासी डिसेंट टाइप की वीडियो एडिटर है और मोबाइल में एक अच्छा वीडियो एडिटर आप इसे बोल सकते हैं। अगर आप यूट्यूब में भी एक कोई प्रोफेशनल वीडियो पोस्ट करना चाहते हैं तो ये इसके लिए भी ठीक है। ये तो गया नंबर वन और जो नंबर टू, और ये नंबर टू में जो मैंने वीडियो एडिटर कलेक्ट किया है वो मुझे लगता है कि ये थोड़ा बेस्ट है और पर्सन मतलब कि क्या बोलते हैं प्रोफेशनल स्टाइल की वीडियो एडिटिंग करने के लिए ये आपके लिए अच्छा है और डेस्कटॉप स्टाइल एडिटिंग भी आप कर सकते हैं और उसका जो नाम है वो है वीडियो मेकर। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं।
दूसरी और मोस्ट पावरफुल जो वीडियो एडिटिंग यहाँ पे एंड्रॉयड के लिए आती है वो है पावर डायरेक्टर। सॉरी, मैंने नाम इसका गलत बोला था, इसका पावर डायरेक्टर नाम होगा। तो इस पे आप वीडियो की वीडियो ऐड करने से पहले आप यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो इसकी चेंज कर सकते हैं। 16:9 में दूंगा, जो कि इसका पोर्ट्रेट मोड है। वीडियो की पोर्ट्रेट मोड होती है 16:9। तो यहाँ पे मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ, टाइटल दे देता हूँ और ओके दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे फोटोज़ और वीडियोस दोनों ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फोटोज़ हैं और वीडियोस भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक वीडियो, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वीडियो कैप्चर कर सकते हैं गूगल ड्राइव, और गूगल ड्राइव से भी आप वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी फीचर है। तो यहाँ पे मैं कुछ फोटोज़ यहाँ पे ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप स्लीक एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं फोटोज, और आप ले सकते हैं। और यहाँ पे देख आप देखेंगे कि इसका जो इंटरफेस है, कुछ डेस्कटॉप स्टाइल के इंटरफेस आपको मिलता है। यहाँ पे आपको जो इसके ऊपर कोई और वीडियो अगर आप ऐड करना चाहें तो ये भी ऐड कर सकते हैं। और ये इसके ऊपर अगर कोई टेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, टाइटल वीडियो मतलब कि एक वीडियो के ऊपर और एक वीडियो आप ऐड कर सकते हैं। इमेज स्टिकर्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कोई एक्स्ट्रा फाइल न्यू फाइल इसके साथ ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे इफेक्ट्स भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। तो खासा पावरफुल एक वीडियो एडिटर ऐप है, और आप इसे बहुत हल्की और प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये और एक बहुत ही अच्छा वीडियो एडिटर है एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म पर। अगर आप YouTube चैनल भी चला रहे हो और आपके पास कोई लैपटॉप नहीं है प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करने का भी जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर जब आप इस दोनों वीडियो एडिटिंग ऐप से, जैसा कि मैंने पहले बोला कि फिल्मोरागो और उसके बाद मैंने ये दिखाया आपको जो कि पावर डायरेक्टर, दोनों में आपको लास्ट में जो एक वीडियो एडिटिंग की लोगो मिल जाती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि एंड में आपको एक लोगो मिल जाएगी। नीचे आप देख सकते हैं कि साइबरलिंक बाय पावर डायरेक्टर, ये राइटिंग यहाँ पे हो जाती है। तो आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो इसके लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आप देख लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास और एक और वीडियो एडिटिंग है ऐप है एक्स्ट्रा, जो कि इसको रिमूव करने के लिए आप इसको सिंपली ओपन कीजिए और यहाँ पे कोई वीडियो डाल दीजिए जिसमें आपको लास्ट में इंट्रो मिल जाता है। और इसको मिलने के बाद आप जो लास्ट में जो है उसको क्रॉप करके काट दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। और इसका एक एक ही फ़ायदा है कि इसमें कोई इन शॉर्ट जो इस वीडियो एडिटिंग ऐप का नाम है, इसमें कोई वो लास्ट में कोई वीडियो एडिटिंग की टाइटल ऐड नहीं होती। तो ये आपके लिए वो एक एडवांटेज है। और ये लास्ट में एडिटिंग ख़त्म होने के बाद आप इस वीडियो एडिटर को वीडियो को काट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ यही मैं आपको बोलना चाहता था। गाइज, ये थी मेरी वो दो बेस्ट वीडियो एडिटिंग फॉर एंड्रॉयड की लिस्ट। और अगर आपको ये दो वीडियो एडिटर पसंद आई आपको यूज़ करने के बाद, और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई, तो आप ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोज लाता रहता हूँ और आप सबको हेल्प करता रहता हूँ और ऑफकोर्स एंटरटेन भी करता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।